अच्छा सो so मैंने ये बताया कि आपका जो सब्जेक्ट्स हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स दैट मीन्स जनरल सब्जेक्ट्स एंड द मैथ सब्जेक्ट मीन्स आपका पेडागोजी रहेगा दो पेपर जिसको हम मैथर्स पेपर भी बोलते हैं मैथर्स पेपर जैसे कि बायोलॉजी और फिजिकल साइंस मैथ्स और फिजिकल साइंस बायोलॉजी और इंग्लिश ऐसे वो कंबाइंड होता है मीन्स ग्रुप में रहता है ठीक है एंड बाकी जितने subjects है, and subject, है के जितने सब्जेक्ट्स हो गए वो जनरल सब्जेक्ट है एंड जनरल सब्जेक्ट कंपलसरी है सबके लिए सबके लिए कंपलसरी है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए कंपलसरी है वो कॉमर्स के बच्चे हो आर्ट्स के हो या साइंस के हो जो भी इवन वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी हो तो सबके लिए वो कंपलसरी है इसके बाद बताया गया ये दैट इज़ चाइल्ड हुड ग्रोइंग अप हो या फिर लैंग्वेज एक्रोस करिकुलम लर्निंग टीचिंग ये जितनी भी जर्नी सॉरी जेनरल सब्जेक्ट्स है ना तो जेनरल सब्जेक्ट्स का पैटर्न थोड़ा अलग है मैथड्स का पैटर्न थोड़ा अलग है अभी जो जेनरल सब्जेक्ट्स में आएगा तो जेनरल सब्जेक्ट में फोर ए एंड फोर बी को आप थोड़ा सा स्किप करें थोड़ा सा साइड में रखते हैं बिकॉज वो फिफ्टी फिफ्टी मार्क्स का है बाकी आपके हैं हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स का तो हंड्रेड मार्क्स का एग्जाम तो के टाइम है थ्री आयर्स थ्री ईयर्स में आपका पूरा हंड्रेड मार्क्स का एग्जाम होगा अभी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताए मैं कि आपका टोटल वन ईयर में आ, कितना होता है सिक्स फिफ्टी फर्स्ट ईयर के लिए जो वन ईयर आप बोल रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए सिक्स फिफ्टी मार्क्स का एग्जाम होगा एंड सेकेंड ईयर के लिए एट फिफ्टी मार्क्स का एग्जाम होगा फर्स्ट ईयर में नो no प्रैक्टिकल आपका प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है सेकेंड ईयर में आपके प्रैक्टिकल्स हैं एंड प्रैक्टिकल्स में ही ज़्यादा मार्क है सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स कम है प्रैक्टिकल्स ज्यादा मार्क्स के होते हैं ओके फर्स्ट ईयर का जो आपका हो गया सिक्स फिफ्टी तो सिक्स फिफ्टी में आपका फोर ए एंड फोर बी ठीक है फोर ए फोर बी एंड फाइव ये जो तीन सब्जेक्ट्स हैं ये तीन सब्जेक्ट्स फिफ्टी 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 मार्क्स का है बाकी जितने हंड्रेड मार्क्स के हैं ठीक है अभी फर्स्ट पेपर में आता है तो फर्स्ट पेपर हो या लर्निंग टीचिंग हो लर्निंग टीचिंग को हम क्या बोलेंगे अगर हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पेपर दैट इज फर्स्ट पेपर इज चाइल्ड चाइल्डहुड ग्रोइंग अप और बाल्यवस्था एवं विकास ये है आपका जो लर्निंग टीचिंग है ना लर्निंग टीचिंग लर्निंग टीचिंग को हम हिंदी में बोलते हैं अधिगम तथा शिक्षा अधिगम तथा शिक्षा अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये दो बुक मतलब इतना इम्पोर्टेंट है जो भी आप टीई टी एग्जाम्स देने जाओगे ना तो उसमें इससे अराउंड फोर्टी फिफ्टी मार्क्स का क्वेश्चन आता है सो so, ये दो पेपर को जब भी पढ़े बहुत अच्छे से पढ़े केयरफुली पढ़े एंड इवन जो इंग्लिश बच्चे हैं मैं बता देती हूँ मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ दैट मीन्स मैं खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई हूँ तो उसमें मैं मुझे पता है कि हिंदी जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं ओ टी ई टी या सी टी टी वेस्ट ई टी आप लोग नाम सुने होंगे तो उसमें ना हिंदी के भी क्वेश्चन आते हैं जो अटेंड कराया जाता हैं सी टी टी में तो स्पेशली हिंदी के क्वेश्चन आएंगे एंड ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हिंदी में अगर बच्चा नहीं जानता है कि लर्निंग का हिंदी क्या है तो वहाँ पर वो सॉल्व नहीं कर सकता संदर्भ मीन्स क्या है वहाँ पे जस्ट लाइक सम्मिलित गेट टुगेदर हम बोलते हैं वैसे ही सम्मिलित मीन्स टुगेदरनेस सो ऐसे वर्ड्स का मीनिंग अगर जानना हो तो मैं जब भी हिंदी एंड इंग्लिश बोध बोल रही हूँ नेम तो उसको थोड़ा नोट डाउन करें इवन इफ आप जब नोट्स बना रहे हो ना तो वहाँ पे साइड साइड में ब्रैकेट में हिंदी में भी लिखते चले वैसे ही जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं पता है आप लोग हिंदी में पूरा एग्जाम्स देंगे पता है बट फिर भी थोड़ा बहुत इंग्लिश जाने जैसे कि अधिगम इनके लिए इंग्लिश में हमने बोला लर्निंग तो आप भी वहां पे इंग्लिश में साइड में लिख दे लर्निंग ठीक है ये आपका नोट प्रिपरेशन का स्टाइल होना चाहिए सेकंड थिंग अभी देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कितने आते हैं टोटल आपके सारे पेपर्स को अगर आप चेक करेंगे ना तो फोर ए फोर वी एंड फाइव ये जो तीन पेपर को आपने स्किप किया उसको छोड़ के जितने भी पेपर है उसमें चार चार यूनिट्स मिलेंगे

ये ग्रेजुएशन जैसा नहीं है या बीए बीएससी बीकॉम जो भी आप लोगों ने वैसा थोड़ा नहीं है यहाँ पे ईच यूनिट से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे दो दो लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है दो लॉन्ग क्वेश्चन में सपोज ए और बी दो लॉन्ग क्वेश्चन है ठीक है दो लॉन्ग क्वेश्चन में एनी वन को सिलेक्ट करना है एनी वन को सिलेक्ट करना है अभी देखिए यहाँ पे जो मेंशन किया गया long questions है लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं चार लिखने हैं ठीक है आउट ऑफ एट सो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन ईच यूनिट से टू टू आएगा उससे आपको एक एक लिखना है जब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ना उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि दो क्वेश्चन आते हैं दो से एक दैट मीन्स टोटल आपको क्वेश्चन करने पता है लॉन्ग क्वेश्चन चार ठीक है तीन घंटे में चार लॉन्ग क्वेश्चन एंड बाकी ईच क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी कर रहा है एक क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन सिक्सटीन मार्क्स सिक्सटीन मार्क्स कैसे होगा यहाँ पे सिक्सटीन मार्क्स नहीं होगा आपका नॉर्मली होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन फोर इन फोर है दैट मीन सिक्सटीन हो गया तो उस अकॉर्डिंग अगर पकड़ेंगे तेन सिक्सटीन है अदरवाइज अगर यहाँ पे हम फोर ए फोर बी एंड फाइव का बात करेंगे तो ये सिक्सटीन मार्क्स होगा बट थोड़ा सा मार्क्स रिड्यूस्ड होगा कौन से बेसिस पे क्वेश्चन के बेसिस पे कम हो जाएगा तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा टेंशन कम रहता है उसमें उस पेपर का टाइमिंग uh, भी कम रहता है एंड कंसेप्ट भी बहुत कम है तो फटाफट हो जाता मैक्सिमम आप वन वीक भी उसके पीछे लगे तो हो जाएगा ये पेपर में आपको ईच क्वेश्चन के लिए सिक्सटीन मार्क्स है ईच क्वेश्चन सिक्सटीन मार्क्स दैट मींस हो गया आपका चार लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको फोर्टी एट मार्क्स हो गए एंड शॉर्ट क्वेश्चन चार है वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं मिलेगा या फिर जस्ट लाइक like, आप सिलेक्ट नहीं कर सकते वहाँ पे जितनी है उतना लिखना है एंड बी का एक ट्रिक समझ लीजिए अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाना है फिफ्टी फाइव प्लस लाना है फिफ्टी फाइव परसेंट प्लस दैट मीन्स फिफ्टी फाइव परसेंट प्लस लाना है दैट मीन्स आपको पूरे कॉपी को फिलअप करके आना है तो कॉपी में पेजेस कितने आपको पता है टोटल पेजेस आएंगे फोर्टी पेजेस ठीक है फोर्टी पेजेस फोर्टी पेजेस के अंदर मैक्सिमम जो अच्छे स्टूडेंट्स रहते हैं वो फोर्टी टू फोर्टी कवर करके आते हैं उनके लिए पेज शॉर्ट हो जाता है थ्री आवर्स में फोर्टी पेजेस पूरा कंप्लीट करना है जिनका लिखने का हैबिट्स नहीं है प्लीज आपसे लिखना स्टार्ट करिए अदरवाइज सारे ईयर के बच्चे फंस जाते हैं इसमें थ्री आवर्स में कभी कम्प्लीट नहीं होता है पेपर मैंने भी खुद फोर्टी पेजेस लिखे हुए हैं एंड फोर्टी पेजेस हमें लिखने का आदत रहता था बिकॉज हम एम एस सी में या बी एस सी में जब पढ़ाई करते थे हम लोग को उतना आता था हमें लिखना पड़ता था इसलिए हैबिट है आर्ट्स के बच्चों को भी हैबिट होगा बट साइंस के जो फिजिक्स केमेस्ट्री या मैथ्स लेके पढ़े हुए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है या कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा नहीं लिखते हैं एट पेज नाइन पेज मैक्सिमम लिखना भी पड़ सकता है आपके हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग पेपर फिलअप करना है बट मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे आप करोगे तो कम भी लिखना पड़े ठीक है अभी टोटल मार्क्स आपका हो गया यहाँ पे देखिए एटी मार्क्स जैसे कि आपको रिटर्न में देना है एटी मार्क्स मिल गए एटी मार्क्स हो गया टोटल आपको इतना कर लेना है सो so, इसके बाद <coughs> ये यह देखिए यहाँ पे जो रह गया ना तो so, टोटल वहाँ पे सिक्सटी फोर हो गए इंटरनल so, तो का तो मार्क्स है? है. So, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है बिकॉज जिनका एग्जाम अच्छा जाएगा दैट मीन्स थ्योरी पेपर अच्छा जाएगा तो इंटरनल मार्क्स कॉलेज से मिलता है आपको एग्जाम लिखना नहीं पड़ेगा इंटरनल सो so, वो डायरेक्टली मार्क्स दे देंगे दैट मीन्स ट्वेंटी मार्क्स उनके हाथ में है वो बिठा देते हैं तो so, ट्वेंटी से पूरा ट्वेंटी नहीं देते हैं बिकॉज ये लिटरेचर सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम देखिए क्या मिलेगा आउट ऑफ यू गेट थर्टीन टू फिफ्टीन जो बहुत ही अच्छा लिखता है उसको फिफ्टीन मिलता है ईच पेपर में फ्री ऐसे ही फ्री बोल सकते हैं फिफ्टीन मिल जाएगा जो नॉर्मल लिखते हैं उनके लिए थर्टीन या ट्वेल्व ये लास्ट जाता है ठीक है, अदरवाइज और कम देंगे तो मार्क्स नहीं आएगा तो इतना मार्क्स आपको फ्रीली मिलेगा तो ये हो गया क्वेश्चन के पैटर्न्स पैटर्न्स ऐसे हैं ठीक है कोई चाहता है तो पूछ सकते हैं कुछ पूछना है कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हिंदी मीडियम के है इंग्लिश मीडियम के कोई भी पूछ सकता है क्वेश्चन अच्छा ठीक है नेक्स्ट अभी देखिए फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने दिया है कि कैसा पैटर्न रहता है आपको ऐसे ही आंसर्स नहीं लिखने हैं जैसे आप साइंस में लिखते थे वैसे नहीं लिखना है आर्ट्स में लिखते थे वैसे भी नहीं लिखना है यहाँ पे डेफिनेट एक पैटर्न है बीएड एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको ट्रेंड किया जा रहा है कि फर्दर आप बच्चों को पढ़ाएं तो उसके लिए आप में से बहुत लोग टीचर भी होंगे ठीक है या फिर टीचर आ, टीचर से करते हुए आए हैं या फिर बीए करके बीएससी करके भी ज्वाइन किए हैं एमएससी करके भी ज्वाइन किए हैं तो डिफरेंट टाइप्स के डाउन तो करना है, या फिर बनाने. So all, कोई भी आता है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिखा है तो हिंदी में भी कर दिया क्वेश्चन के अनुसार क्या लिखता है प्रश्न के अनुसार जो भी होगा उसके हिसाब से जो भी कंसेप्ट रहता है सपोज यहाँ पे चाइल्डहुड है मीन्स ठीक है तो उसके बेसिस पे पहले आपको कंसेप्ट देना है उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि बाल्यवस्था होता क्या है क्या है क्यों है ऐसा आपने लिखा तो मैक्सिमम आपको छः से सात लाइन के अंदर इसको खत्म करना है मैक्सिमम मैंने लिखा है यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मैंने लिखा है मैक्सिमम उससे एक दो लाइन ज्यादा हो सकता है किसी में एक दो लाइन कम भी हो सकता है ठीक है बट इसी पैटर्न को फॉलो करना एंड यहाँ पे हेडिंग्स देना बाउंड है हेडिंग्स को बोल्ड लिखना थोड़ा अच्छे से लिखना एंड हेडिंग्स को अंडरलाइन करना ये थोड़ा बाउंड है कलर वाइज अगर आप लोग कलरफुल पेन्स यूज करना चाहते थे ब्लैक एंड ब्लू यूज कर सकते हैं ब्लैक एंड ब्लू यूज कर सकते हैं अभी नोट्स बनाने के लिए आप ग्रीन रेड जो यूज करना चाहे कर सकते हैं बिकॉज कलरफुल से आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगेगा सो इंट्रोडक्शन टू कंसेप्टिक्स टू सेवन लाइन करना है देन उसके बाद मीनिंग पे ना मीनिंग लिखना पड़ता है बाउंड है आप लोग बी एड में हर एक सब्जेक्ट में मीनिंग लिखने के लिए बट यहाँ पे एक सब्जेक्ट मैंने ऐसा भी मैंशन किया है पे जहाँ पे आपको मीनिंग डेफिनेशन नहीं देना है दैट इज आपका ये जो कंपल्सरी फॉर ऑल क्वेश्चन ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे बट एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट बुक को छोड़ के आप करेंगे देखिए एक बुक है जहाँ पे कंटेम्प्रेरी कंटेम्प्रेरी के जो भी क्वेश्चन आते हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है बोली या कंटेम्प्रेरी इंडियन जो भी एथिक्स एंड लॉज है कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है वहां पे कोई भी डेफिनेशन आप डाल नहीं सकते बिकॉज ये ऑलरेडी हिस्ट्री में हो चुका है पहले हो चुका है उसको पढ़ना है इसलिए ये हिस्ट्री है ठीक है तो इसको सिर्फ आपको छोड़ देना है कि कंटेम्प्रेरी बुक के लिए ऐसा पैटर्न हमें फॉलो नहीं करना है बट कंटेम्प्रेरी में कुछ क्वेश्चन हैं तो वहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा वो भी मैं बता दूंगी अभी देखिए मीनिंग कितने लाइंस में कंप्लीट करेंगे तीन से चार लाइन मैक्सिमम इसमें क्या होता है ना तीन से चार लाइन होने से तो मैंने लास्ट पेजेस भी आपको काउंट करके बताया कितने पेजेस लिखने जो लिख नहीं पा रहा वो छः पेज लिखेगा जो अच्छे से लिख पा रहा वो आठ पेज तक भी लिखेगा कैसे लिखेगा बिकॉज बीच बीच में वो लोग डायग्राम देंगे अभी डायग्राम यहाँ पे क्या होता है डेफिनेट डायग्राम्स ऐसा कुछ नहीं है जो भी कंसेप्ट को आप पढ़ रहे हैं ना उसको हम क्या करते हैं ना पूरा पैराग्राफ वाइज नहीं लिखे यहाँ पे पॉइंट वाइज मेंशन किया जाता है मीन्स मार्क दिए एक पॉइंट लिखा फिर मार्क दिए एक पॉइंट लिखा तो उसके भी हेडिंग्स होंगे तो पेजेस कवर हो जाते हैं प्लस डायग्राम में ऐसे जैसे आप एक रेक्टेंगल बना दिए उसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिख दिए उसमें एरो मार्क डाल दिए तो उसको लिखेंगे या सर्कल बना लिए एक क्लाउड जैसा बना लिए एप्पल बना लिए उसके अंदर लिखेंगे एक ट्री बना लिए उसके अंदर लिखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं अभी देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में और क्या है उसके बाद मीनिंग के बाद और एक पॉइंट छूट गया दैट इज़ अ डेफिनेशन यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गया मैं फटाफट लिख रही थी सो सॉरी फॉर दैट डेफिनेशन यहाँ पे दो डेफिनेशन डालना है यहाँ पर डेफिनेशन का इम्पोर्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है that means, आप में जो टी टी एग्जाम्स दोगे ना दैट मीन एंट्रांस वहां पे एक चीज रहता है एक ऐसा डेफिनेशन देगा कि ग्रोथ इज प्रोग्रेसिव प्रोसेस ऐसा कुछ लिख दिया हु सेट दिस किसने बोला ये ग्रोथ एक पर्याय मतलब हम बोलते हैं पर्याय क्रम में होता है जैसे वंशानुक्रमिक होता है दैट मीन्स हेरिडिटरी बेस्ड वैसे ये भी होता है सो so, पर्याय क्रम में मीन्स प्रोसेस है ये थोड़ा सा तो 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 प्रोसेस तो वाइज हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग डेफिनेशन आएंगे अगर बाय चांस डेफिनेशन याद नहीं रहा तो उसको कैसे करना है मैं लास्ट में बताऊंगी जब आप लोगों का एग्जाम्स आना रहेगा उससे पहले मैं बताऊंगी ठीक है बट अभी के लिए हर एक क्वेश्चन में आपको दो दो डेफिनेशन डालने अकॉर्डिंग टू देयर कंसेप्ट जस्ट लाइक यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे मीन्स वृद्धि एंड विकास दैट मीन्स वृद्धि तथा विकास तो उसके ऊपर वृद्धि का एक डेफिनेशन आपने डाला एंड विकास का एक डेफिनेशन डाला तो हिंदी जो बच्चे हैं वो डेफिनेशन वर्ड को यूज कर सकते हैं कंप्लीटली आपको हिंदी में लिखना ये कोई भी जरूरत नहीं है थोड़ा बहुत आप इंग्लिश यूज कर सकते हैं इंग्लिश यूज करने से आप लोगों का अट्रैक्टिव होगा एंसर पेपर एंड आप लोगों को मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे थोड़ा बहुत बीच बीच में आप लोग इंग्लिश यूज कर सकते हैं अभी देखिए कंसेप्ट रेक्टर देंगे अगर इफ़ एनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन में पूछता है जैसे ग्रोथ हम लोग वृद्धि वृद्धि का बोले तो को आप अगर बाहर से देखते हैं तो उसका क्या क्या कैरेक्टर्स आएगा अगर हम लोग यहाँ पे विकास दैट मीन डेवलपमेंट इफ यू सी एनी डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स देन आप उसे मेन्शन करेंगे पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री ऐसे मैक्सिमम सेवन टू एट पॉइंट्स लास्ट मेंशन किया जाता है सबसे लोएस्ट में फाइव पॉइंट्स मेंशन किया जाता है एंड सबसे हाईएस्ट में आप मेंशन करेंगे सेवन टू एट पॉइंट्स ओके अभी कंसेप्ट दैट मींस बेसिक जो पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स अंतर्गत दैट मीन्स उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है या अलग है किस लिए उसमें अलग अलग चीजें आए उसको मैंशन कर सकते हैं या फिर जो भी क्वेश्चन हो उसके बेसिस पे जो कंसेप्ट आएगा वो वन टू टू पेजेस का होगा एक से दो पेज का आप लिखेंगे कंप्लीटली एंड यहाँ पे पेजेस को छोड़ना नहीं है दैट मीन्स जैसे होता है ना आप लोग पेजेस को कवर करने के लिए कैसे लिखोगे एक लाइन लिख दिया एक लाइन फिर छोड़ दिया फिर एक लाइन लिखा फिर एक लाइन छोड़ा तो ऐसे नहीं करना है कम्पलीटली लिखना है बट पैराग्राफ वाइज नहीं करके आप पॉइंट वाइज मैंशन कर सकते हैं मतलब दो तीन लाइन का होगा पैराग्राफ मीन्स पूरा पेज एक पैराग्राफ में कंप्लीट नहीं होना चाहिए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट्स में हम लोग यहाँ पर मैंशन करेंगे अभी अगर मेरिट्स रहा दैट मीन्स जैसे बोलते हैं ना यूजेस एंड डिस यूजेस और मेरिट्स एंड डी मेरिट्स अगर इसका कोई अच्छाई है तो अच्छा ही चीज़ें हम लोग लिखे पॉइंट वाइज अगर कुछ बुरा है और बुराई है उसमें तो बुराई वाले पॉइंट्स को यहाँ पे मैंशन करेंगे एंड लास्ट में कंक्लूजन देंगे हर एक क्वेश्चन का कंक्लूजन अपने हिसाब से होना चाहिए बिकॉज आप लोग टीचर हैं तो आप क्या सोचते हैं कि वृद्धि एंड विकास के अंदर दैट मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन बिटवीन दिस टू वर्ड्स व्हिच वन इज ग्रेटर और वन इज मोस्ट फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बच्चों के विकास के लिए कौन सा शब्द या कौन सा टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड क्यों आप वहां पे मैक्सिमम थ्री टू फोर लाइंस में उसे बताएंगे आपको अच्छा लगा जैसे मुझे अच्छा लगा ये पॉइंट तो उसको पकड़ के मैंने दो तो तीन लाइंस बताए हो okay. गया ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है सारे बुक्स के लिए जो भी आपका बुक्स है ना फर्स्ट ईयर में सारे बुक्स के लिए सेम जो पैटर्न मैंने बताया उसी पैटर्न मार्क्स मिलेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर बहुत अच्छा कोई बच्चा लिखा है तो फोर्टीन मिलता है बट उससे ज्यादा मार्क्स नहीं आते बिकॉज ये लिटरेचर है बार बार बता रही हूँ मैं लिटरेचर है ठीक है अभी देखिए फॉर शॉर्ट शॉर्ट के लिए बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन तो आप सोच रहे हो कि चार आ, चार मार्क का है ना तो ईच तोरिंग फोर मार्क्स तो मार्क्स के लिए आपको क्या करना है मार्क्स के लिए आपको पेजेस लिखने पड़ेंगे थ्री एंड हाफ से लेके फोर पेजेस कंप्लीट करने पड़ेंगे मीन्स ईच पेज के लिए आपको एक मार्क मिले ठीक है सो so यहाँ पे क्या है वही इंट्रोडक्शन रहेगा बट इंट्रोडक्शन में पहले जो था दैट मीन्स सिक्स टू सेवन लाइन्स था वो हाफ हो गया यहाँ पे रिड्यूस टू हाफ यहाँ पे पे हाफ हो गया लाइन में खत्म करेंगे मीनिंग टू टू थ्री लाइन जो था वही सेम रहेगा डेफिनेशन वहां पे दो दे रहे थे यहाँ पे एक देंगे फिर आपको कंसेप्ट लिखना है तो कंसेप्ट वहां पे हमने मैक्सिमम कितने पेजेस का लिखा देखिए कंसेप्ट कंसेप्ट यहाँ पे मेंशन है वन टू टू पेजेस का बिकॉज यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा पार्ट्स भी है कैरेक्टरिस्टिक्स है मैरिड डिमेरिट्स ऐसा है तो यहाँ पे वैसा नहीं लिख सकते तो यहाँ पे कंसेप्ट मैक्सिमम में आपको ढाई पेज लिखना है मैक्सिमम में ठीक है मगर उसमें से आधा चीज ड्रॉइंग में चला जाता है इसलिए आपको ज़्यादा असुविधा नहीं होगा प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे तो आपको मिनिमम में यहाँ पे कितना लिख सकते हैं साढ़े तीन पेज दैट मीन्स थ्री एंड हाफ पेज एंड मैक्सिमम में चार पेज तो आज से आप लोग जो भी नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे दैट मीन्स आपके पास कल का टाइम रहेगा कल जो आप नोट्स बनाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन अगर है तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप पूरा यूज़ करेंगे आठ पेज ठीक है सात से आठ पेज आप लोग यूज़ करेंगे अगर शॉर्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चार पेज बिकॉज़ पे क्या होता है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन जो प्रिपेयर करते हैं उसी के अंदर शॉर्ट रहता है तो आपको शॉर्ट के लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं चाहिए ऑनली लॉन्ग प्रिपेयर करे तो हो जाता है ठीक है सो so, इतना कंसेप्ट आई होप आपको समझ तो आया होगा अभी देखिए दो पैटर्न में दिखा रही हूँ सो so, आप लोग दो पैटर्न के अंदर कंफ्यूज मत होइए जो भी हिंदी बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो मैं बता दूं ये दो टाइप के पैटर्न है जिसमें आप अपने कॉपी को देखिए फोन को मत देखिए कॉपी को देखेंगे एक है लैंडस्केप ओरिएंटेशन और एक है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट मीन्स आपकी कॉपी को आप सीधा पकड़ोगे सीधा पकड़ने से क्या होगा उसका हाइट जो है थोड़ा लंबा रहेगा उसका से अभी क्या हो गया मैं चेंज कर दी लैंडस्केप ओरिएंटेशन में तो लैंडस्केप में क्या होता है ये देखिए ये वाला लैंडस्केप है तो लैंडस्केप में आपको ऐसे लिखना है दैट मीन्स जैसे लैंडस्केप ओरिएंटेशन है ना आपको कॉपी में भी वैसे लिखना है तो उसमें क्या होता है आपका जो हाइट हो गया वो कम हो गया विड्थ थोड़ा ज्यादा हो गया तो ऐसे मैक्सिमम कॉपीज uh, जो आते हैं ना एग्जाम्स के तो so, अगर ये ऑनलाइन हुआ तो आपको आएंगे पोर्ट्रेट वाले कॉपीज ठीक है अगर ये ऑफलाइन हुआ तो आपको आएंगे लैंडस्केप वाले कॉपीज ठीक है समझ आया अगर आपका आता है क्या ऑनलाइन ऑनलाइन में एग्जाम्स के कॉपी आते हैं मीन्स ऑनलाइन एग्जाम होता है दैन पोर्ट्रेट टाइप के आएंगे अगर आपका आता है ऑफलाइन uh, का दैन लैंडस्केप ओरिएंटेशन में आपको देना है ठीक है आई होप इतना इंफॉर्मेशन तो आपको